वहीं आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा झज्जर शहर के अंबेडकर चौक पर पहुंची। यहां पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनुराग ढांडा ने कहा कि यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। बदलाव यात्रा का मकसद हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी है। तीसरे दिन ही नतीजे आने शुरू हो गए बदलाव यात्रा के। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई पूरी तरह से, और कल वीडियो जारी किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा में शामिल मत हो अपने आधिकारिक हैंडल से। हम खट्टर साहब को ये कहना चाहते हैं, खट्टर साहब अभी तो हरियाणा के लोगों ने बिजली पानी स्कूल अस्पताल की मूलभूत सुविधाएं मांगनी शुरू की हैं, अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। एक एक सीट पर बीजेपी को जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। खट्टर साहब क्या कह रहे हैं, हरियाणा में रोजगार नहीं देंगे हरियाणा के युवाओं को, और जहां युद्ध चल रहा है इसराइल में वहां भेजेंगे हरियाणा के बच्चों को मरने के लिए। खट्टर साहब, हरियाणा के लोग देख रहे हैं, एक एक घर इसका बदला लेगा भारतीय जनता पार्टी।